पीएम मोदी की नजर थी, जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह तो लगातार वहां पर मौजूद थे। देखिए वहां पर मजदूरों से मिलते हुए चेहरे पर सबके मुस्कान, तालियों की गड़गड़ाहट, गले मिलते हुए पुष्कर सिंह धामी। और देखिए पुष्कर सिंह धामी वहां पर मजदूरों से गले मिलते हुए, क्योंकि भरोसा था, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। ऑगर मशीन, उसके बाद रैट होल माइनिंग, लगातार 17 दिन 400 घंटे लगातार ऑपरेशन चला, तमाम एजेंसियां लगी हुई थी। और ये अब देखिए दूसरी तस्वीर, देखिए अब आप ये दूसरी तस्वीर, इसी खुशी में घरों में कीर्तन भी, जिनके मजदूर अपने फंस, ये देखिए कीर्तन वहां पर हो रहा है खुशी में, उनके घरों में कीर्तन शुरू हो चुका है। एक तरफ घरों की तस्वीरें जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल है, दूसरी तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वहां पर टनल के बाहर मौजूद, फिर वहां पर मजदूरों से मिलते हुए, और एक एक मजदूर को देखिए एम्बुलेंस में बिठाते हुए, हालचाल पूछते हुए। सरकार पूरी तरह से मिशन मोड में रही है, यकीन मानिए पूरी तरह से सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मिशन मोड में रही पूरी तरह से, और पूरी ताकत लगा दी गई एक्सपर्ट्स को बुलाकर, और विज्ञान के साथ साथ आस्था का भी कमाल रहा, उसको नहीं हम भूल सकते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था थी वहां पर जो मंदिर बनाया गया, और इसके अलावा तमाम तरीके से आस्था का भी कमाल और विज्ञान का भी कमाल। और आखिर में जो सबसे जरूरी मैनुअल ड्रिलिंग जो की गई, जिसके बाद आखिरकार सभी मजदूर बाहर आ चुके हैं, 45 मिनट में सभी मजदूर बाहर निकल चुके हैं।